नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकर। अवैध बालू खनन का मामला खनन निदेशक तक। कौशाम्बी कोतवाली के पाली उपहार के रास्ते पड़ोसी जनपद की आ रही बालू पानी के अंदर से बालू निकालकर नाव द्वारा खेला जा रहा खेल। पिछले दिनों भी डीएम से लेकर विभागीय अफसरों तक पहुंची थी शिकायत। शिकायत के बाद भी खेल के मास्टरमाइंडों पर कार्यवाही ना होना सवालों के घेरे में है कौशाम्बी। कोतवाली कौशाम्बी अंतर्गत पाली यमुना घाट के रास्ते काफ़ी दिनों से इलाकाई मास्टरमाइंड अवैध बालू का खनन खेल रहे हैं। मास्टरमाइंड के इस अवैध खेल की शिकायत पिछले दिनों डीएम सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक के अलावा मंडल स्तर के अधिकारियों से की गई थी। बावजूद कोई कार्यवाही ना होता देख शिकायतकर्ता सोमवार को सीएम खनन निदेशक के अलावा मंडलायुक्त को शिकायती पत्र भेजकर बालू के इस अवैध खेल को रोके जाने व इस खेल के मास्टरमाइंडों की जांच कराकर कार्यवाही कराए जाने की मांग किया है। कोतवाली अंतर्गत पाली गांव निवासी राजेश कुमार का आरोप है कि गांव के ही प्रधानपति के अलावा कौशाम्बी कोतवाली में तैनात रहे गोविंद सिपाही की संलिप्तता के चलते चित्रकूट जनपद क्षेत्र से यमुना के पानी के अंदर से बालू निकालकर नाव के सहारे इस पार पाली बालू मंगाकर उसका परिवहन जिले में किया जाता है। हालांकि किन्हीं मामलों के चलते पिछले दिनों गोविंद नामक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बावजूद इसके उक्त सिपाही कोतवाली में उसी तरह सादे ड्रेस में रहकर बालू का खेल खिलवा रहा था। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि बालू के इस अवैध खेल की शिकायत तकरीबन 2 माह पहले शिकायतकर्ता ने डीएम एसपी के अलावा मंडल स्तर के अफसरों से भी किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कोतवाली में तैनात रहे गोविंद सिपाही इस अवैध बालू के खेल से अकूत दौलत भी कमा रहा है। हालांकि अभी हाल में ही इसकी शिकायत एक पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से किया था। उक्त सिपाही व पाली गांव के प्रधानपति द्वारा खेला जा रहे अवैध बालू का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार इन दिनों अवैध बालू खेल के मास्टरमाइंडों द्वारा रात्रि में उस पार से इस पार बालू मंगाकर उसे ठिकाने लगाया जाता है। शिकायतकर्ता राजेश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री, खनन निदेशक के अलावा पुलिस महानिरीक्षक व मंडलायुक्त को शिकायती पत्र भेजकर अवैध बालू की इस खेल की जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराए जाने की मांग किए हैं। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए कौशाम्बी से धर्मेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट।